डिसाइड करेंगे पहले तो अपन कैसे क्या करना है। तो आपकी जो वैकेंसी मेन सबका मेन सबसे ज्यादा उद्देश्य है आर एस एम एस एस बी, यही है ना, इसी का सबसे ज्यादा। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपका भरम है कि सर हमारा कॉल आएगा या नहीं आएगा। भाई उसके लिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपको कि कितने पे होगा कितने पे नहीं होगा। दूसरी बात है कि कई बार ये बोला गया है कि कई बार फोन पे समझाते समझाते भी नहीं समझ आया कि सर क्या स्टेनो में 40% में पासिंग मार्क्स ले हूं, 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मेरी स्पीड हो जाए उसमें काम बन जाएगा क्या। भाई जब वो क्या उसने स्पष्ट लिख रखा है कि 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिटेक्शन बोली जाएगी, मेंशन कर रखा है सेकंड फेज में, तो यार ये बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बोलेगा तो वो इसी स्पीड में, जिस भी स्टूडेंट की यदि 80-90 से भी कम स्पीड है ना, उस बंदे की डिटेक्शन इतनी खराब होगी कि वो ढंग से शब्द नहीं लिख पाएगा। आप चाहे खुद देख लो, 60 की स्पीड चला देता हूं आपकी हिंदी की होगी करीब, 40 की स्पीड जिस बंदे की हो उसके सामने 60 की स्पीड चलाता हूं मैं, देखिए फिर लिखो देखिए हिंदी आप कितने शब्द आपके पल्ले पड़ेंगे आपके लिखे भी, कुछ ही पता चलेगा आपको कि क्या लिखा मैंने। तो ये तो दिमाग से भरम निकाल लो कि जिस बंदे की अगर पासिंग मार्क्स के लिए मुझे 40 वर्ड पर मिनट या 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हो जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा, ये तो बिल्कुल आप लोग दिमाग से निकाल दो। मुझे कितनी करनी है अपन को 100। अब 100 के लिए मुझे कम से कम 110 से 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से चाहिए, 110 से 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहां तक कवर करेंगे ना तो ये वाली आराम से आपसे कवर हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि हाई कोर्ट में 6 मिनट की डिटेक्शन आएगी, लेकिन 6 मिनट का कोई हमारा रोल ही नहीं था, हमारा तो रोल ही दूसरा था कि स्टार्ट हो गए तो रुकते नहीं थे बस। चाहे कई बच्चे से बोलते थे हाथ दर्द करने लग गया, अरे भाई तेरा अभी हाथ दर्द कर रहा लेकिन जब एग्जाम में बैठेगा तब हाथ दर्द नहीं करेगा तेरा, क्योंकि 15 मिनट की डिटेक्शन लिखना छोटी मोटी बात नहीं है, 80-90 की स्पीड में बहुत बड़ी बात होती है, कई लोगों से नहीं लिखी जाती। लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट की डिटेक्शन आएगी तो 10 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप दौड़ करने जाते हो तो दौड़ करते समय आप चाहे 100 मीटर ही आगे बढ़ो लेकिन आपकी कोशिश ये रहती है कि ट्राई करते समय घर पे कि यार 5 किलोमीटर तो यहां हो गए थोड़ा सा और दौड़ लेते हैं। तो आपको हमेशा दौड़ में थोड़ा सा 10 कदम आगे चलो ना सामने वाले से, तो आपको कहीं नुकसान ही नहीं होगा। जब अपन 110 को और 120 को टारगेट बनाओगे ना तो आपको 100 वर्ड पर मिनट तो आराम से बहुत आराम से लिखोगे आप, और ऐसे इतने अच्छे तरीके से लिखोगे कि मोतियों की तरह सजा सजा के लिखोगे आप शब्दों को। जैसे मेरे कई स्टूडेंट ने ऐसे बोला सर मजा आ गया डिटेक्शन लिखते हैं वहां पे, मैं कह रहा हूं कि मेरी डिटेक्शन और जितने भी यूट्यूब चैनल वाले डिटेक्शन डालते ना उससे भी बेहतरीन तरीके से वो डिटेक्शन, आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है 110 पहुंचना है। और जिस भाई को पटवारी या एसआई का है तो चाहे अभी चले जाओ उठ के, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल 1% की, क्योंकि आपका भविष्य खराब नहीं करने का। पहले सबसे मेन चीज होता है स्टूडेंट का, कई कोचिंग्स में आप जाओगे तो आपको जाते हैं तेरा नंबर बढ़िया आ जाए यार, ये पता नहीं बंदा आरएस कर रहा है यार उसको क्यों डाइवर्ट कर रहे हो, 3 महीने में कवर उसका आरएस का सारा प्लान खराब हो जाएगा। रीट से पिछली बार सर मैं 2 नंबर से रहा हूं और इस बार मेरे इसमें 150 नंबर आ रहे हैं, अरे भाई तेरा आराम से हो जाएगा, 50% नंबर लाना तेरे को, 50% नंबर लाना, लेकिन उसका टीचर का मोटिव है तो उसको अगर उसकी इच्छा नहीं कर रही इधर आने की और वो केवल आपसे डिस्कस करने आया है तो उसको क्यों बोल रहे हो आप लोग कि आराम से हो जाएगा 50% नंबर चाहिए, 50% नंबर। तो भाई जब आप ये इतना करोगे ना तब भी आपकी कम से कम 5-10% एरर तो हो ही जाएगी, तब जाके आपके 70-80-90 नंबर आएंगे, ऐसा मत सोचो कि पूरे में पूरे मिल जाएंगे। फिर भी सपोज करो आपका लिखते समय आपका दिमाग किसी से लड़ाई हो गया, आपकी सुबह सुबह लड़ाई कर ली है आपने, फिर आप लोग क्या करोगे, दिमाग तो खराब हो ही गया, पेपर तो बिगड़ नहीं है लेकिन देखे भी आना घर वालों को पैसा रहेगा। तो वहां पे आपसे जैसे जैसे करके 80-70% ही पेपर बैठ पाएगा, 100% शायद ही बैठ पाएगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 100% पूरा पूरा करके आते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे हमारे भी हाई कोर्ट में कई बच्चे पूरे 420 काउंट करके आए, कुछ बच्चे 418 काउंट करके आए,
सर हमारे पास 10 मिनट बच गए, बैठे बैठे क्या करते हैं, काउंट कर लिए हमने वर्ड्स, अच्छी बात है, अब जो बाकी आगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इस चीज को आपको मेन ध्यान में रखना है, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, और आपके जो भी ये डाउट हो फटाफट पूछो मेरे से भाई, क्या तो डाउट है आपका इस भर्ती से रिलेटेड या दूसरा। दूसरी बात है एग्जाम का भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी मेरे हिसाब से कि 3-4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, जहां तक मेरे हिसाब से आपको जो ओरिजिनल थी अपनी ये है कि 3 महीने का टारगेट बनाया मैंने, लेकिन आपका कोर्स में 1.5 महीने में खींचूंगा और दबा के चलेंगे, पर मेहनत आपको करनी है, जो मेरी कदम से कदम मिला के चलेगा उसको आराम से याद होंगे शब्द, और आराम से वो जो अपनी सफलता की मोड़ की ओर है वो आराम से पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ तक यहाँ पे जाके यहाँ पे चलूं या नहीं चलूं, अगर किसी के घर में जैसा काम है तो वो थोड़ा सा वो देख लेना, पीछे वाले इसमें एडजस्ट हो जाना, यही हो सकता है। बाकी तो एक बेस तो भाई मेरा बहुत स्पीड से चलेगा, क्योंकि फर्स्ट अचीवमेंट है 3 महीने का मेरा, फर्स्ट टाइम स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले भी 3 महीने में 100 की स्पीड लाया हूं मैं, भाई मैं 70 से 80 की लाया हूं, लेकिन 100 की किसी की नहीं लाया हूं अभी तक, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है अपना, इसलिए ही मैंने आपको प्राइस रखा, क्योंकि बहुत ही 3 महीने में अभी तक मैंने किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुना कि 3 महीने में 100 की स्पीड आ सकती है। लेकिन दोस्तों आप में से करके दिखाना, आपको आगे बढ़ना है, अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो मेरे यहाँ से नहीं, वो मेरे दिल के पास तो रहेगा ही, लेकिन कई कोचिंग्स वाले आपको आगे से नंबर ढूंढेंगे आपके, यार उस बंदे से तो मिलना चाहता हूँ मैं, कई लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आप कई लोगों की दिल की धड़कने हो जाओगे आप लोग, अगर जो बच्चा ऐसा अचीवमेंट करता है तो। आप लोगों को ध्यान से करना है, ठीक है ना, तो आपका कोई डाउट है तो पूछो बराबर, जल्दी करो बताओ भाई, किसी कोई डाउट मैंने बताया उसके अलावा बताओ बेसिक सही है तो काम बनेगा, अदरवाइज आपका बेसिक चाहे आप 40 की लिख रहे हो, चाहे 50 की, चाहे 70 की लिख रहे हो, आपको डिटेक्शन पर डे लिखाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपन शुरुआत बेसिक से करेंगे, 3-4 दिन में आपका एक टेस्ट ले लूंगा, उस क्राइटेरिया में जो आ जाएगा जो इधर बैठ जाएगा, जो क्राइटेरिया में नहीं आएगा उधर बैठ जाएगा, 2 बेस बनाऊंगा स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, फिर बाद में आएंगे उनका भी टेस्ट होगा, चाहे 10 दिन बाद में चाहे 15 दिन बाद में, जो मेरा क्राइटेरिया उसका टेस्ट लूंगा भाई, टेस्ट दे, अगर इसको क्वालिफाई कर रहा है तो स्पीड वाले में बैठ जाए, नहीं कर रहा तो इधर बैठ जाए, सीधी बात है। कई बच्चों की अपन लोगों की क्या सोच होती है कि कई बार जाते हैं कहीं पर भी, सर मुझे तो कौन सा बच्ची है जो जिसमें 80 से ऊपर की लिखवा रहे हो ना आप, वो वाला बैच चाहिए, चाहे पढ़ी जा रही चाहे नहीं जा रही, बोला कई टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि आप तो एक बार लिख रही कर लो, पढ़ने की तो आपको हो जाएगी, अरे भाई जब उससे 60 का नहीं पढ़ा जा रहा तो 100 का क्या करेगा फिर, वो कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ मेरे साथ। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है कि आपकी 100 की स्पीड कैसे लाऊंगा मैं, आपकी हेडेक नहीं है, आपको क्या होता कैसे आई कैसे नहीं आई, लेकिन मेरे को टेंशन है मेरे को लानी कैसे लानी, वो मेरी हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है, आपको सिर्फ जितना मैं कहूँ उतना बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू करनी है, पर कोशिश रखो कि 1.5 महीने अपना कोर्स हो जाए फटाफट पूरा, और 1.5 महीने में अगर कोर्स हो गया ना अपना तो आपकी स्पीड आराम से आएगी। याद कराने की बात है तो एक दिन अपन लिखेंगे, एक दिन याद कराने का रखेंगे, साथ के साथ याद करते जाओ, खत्म कहानी, आज पढ़ लिया कल याद करना भाई, आज पढ़ लिया कल याद करना भाई, साथ के साथ जिससे चिंतन खत्म भाई। पहले तो बीच में कुछ एक स्टूडेंट मेरे अभी बीच में आए थे, वो सोच रहे हैं सर हमारे ऊपर तो कम ध्यान दिया आपने भी, हमारा तो 15-20 दिन ऐसे ही गया, चिंता मत करो आपके ऊपर भी, पहले क्या हाईकोर्ट वाले को एग्जाम था तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट था, अब कोई एग्जाम नहीं है, कोई बच्चों के आप ही लोगों मेरे पास में था तो आप ही लोगों पर प्रॉपर ध्यान देंगे, और किसी का कोई और भी डाउट हो तो बताओ जल्दी करो। हाँ तो आप 0 से हैं या कैसे, 0 से है ना, कितनी स्पीड है, अच्छा अच्छा हाँ, देखो उसके लिए 3-4 दिन में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और आपको मैं अभी कम से कम 8-10 दिन 2 या 3 डिटेक्शन ही दूंगा सबको, जो बच्चा स्पीड में ना तो एवरेज दूंगा कभी 80 रेडी या 60 के आसपास की, मतलब 8-10 दिन अपन यही एवरेज रखेंगे, 80 से 70 या 80 जिस टाइप से मैं डिटेक्शन लिखवाता हूँ बस उस टाइप से आप लोगों को लिखना है, मैं बता दूंगा किस टाइप से आपको डिटेक्शन लिखना है,
कभी किस स्पीड की भी लिखाऊंगा उसको भी आपको लिखना है, लेकिन लिखना है तो कैसे लिखना है आपको वो भी कराऊंगा। और उन बच्चों के लिए जिनका मई में एग्जाम हो सकता है और थोड़ा सा मेरे से अलग से और मिल लेना भी, मैं उनको कुछ चीजें बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है, आपकी जो चौंक रहा होगा या कोई दिक्कत आ रही होगी रीड करने में वो सब कवर होकर चले जाएगा, और बस 4-5 दिन में आपका टेस्ट हो जाएगा, अपने आप बैच अलग बन जाएगा, आप लोगों की स्पीड से होगा तो अपने आप आपकी स्पीड में जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जल्दी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, देखो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो 0 से 1 पढ़ाई रहे, चल रहा है 0 से 1 अपना, जो व्यक्ति इसको कवर कर पाएगा 4-5 दिन में वो उस बेस में बैठ जाएगा स्पीड वाले में, और जिससे कवर नहीं हो पाता तो कोई टेंशन नहीं है, अपन वापस से पढ़ेंगे, घबरा रहे हो आप लोग भाई, मेरा काम है याद करवाना, जब तक याद नहीं होगा जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगली आने वाली नेक्स्ट स्टेप है ना तभी अपन चलेंगे जब तक पीछे का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मतलब ही नहीं, मान लो पढ़े जा रहे हैं पूरी हिस्ट्री के पूरे पन्ने पलट दिए 400 पेज की बुक ला के, लेकिन याद एक ही नहीं है, 3 दिन में रट के पढ़ दिया, याद एक नहीं क्या मतलब अब, तो इसलिए अपन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे बोल रहे हो ना आप लोग ऐसे बोलो जिसके दिल में जो कुछ ना बोलो, मजा आता मुझे, आप लोग बोलोगे नहीं ना जब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, चले फिर आगे बढ़े। तो आप लोगों को मैंने बताया वो चीजें और ये समस्याओं का संघर्ष जो करना है आपको कर लोगे ना, कौन कौन नहीं कर पाएगा, सभी कर लेंगे, फिर ऐसे तो नहीं बोलोगे ना सर मैं तो हाथ दर्द कर रहा है, सर आज तो मेरे को इतना काम दे दिया तो बुखारी आ गई मेरे को, फिर मैं ये नहीं सुनूंगा, देखो जितना मैं आपको छूट दूंगा ना उतना स्टिक भी है मेरे मामला मेरे पास, आपको आना है तो आना ही है, करना तो करना ही है, फिर नहीं तो पेरेंट्स से बात कराओ, फिर सीधी बात है मेरे पास में, फिर कहोगे सर प्लीज आज आज छोड़ दो मुझे, कल करवा दूंगा, आज कल कर लाऊंगा, फिर वो नहीं सुनूंगा मैं, सीधी बात है भाई। देखो आपको जब तक खुद स्टिक नहीं बनोगे ना फिर मैं नहीं समझाऊंगा आपकी तरह घूमने वाला, ठीक है आया पढ़ाया थोड़ा सा चलो सबकी तरह, अगर यहाँ पे आया तो कुछ उद्देश्य बना के आए हो आप लोग तो उसको पूरा करके जाओ अपने लक्ष्य को, जिससे आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं हो। मेरे नानी के चले गया, बुआ के चले गया, सर जाना तो जरूरी था, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे पता नहीं क्या करना आपको, आपकी लाइफ में एक बार तो आपको 100% देना ही पड़ेगा तभी सक्सेस होंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं होंगे भाई, पहले बता देता हूँ, जब तक आपने कोई भी एग्जाम जी जान से नहीं दी ना तो आपको उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम दो इतने एफर्ट से दो कि बस दिन रात एक करके दे दो एक बार, और आपकी जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो मैं छोटा सा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको दोनों टाइम बुलाऊंगा मैं, आपको मॉर्निंग भी फिर एक इवनिंग में बुलाऊंगा उस दौरान, तो क्योंकि फिर थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेस में जो सबसे लास्ट में सबसे तेज दौड़ता है कहते ना 5 किलोमीटर की दौड़ करने जाते हैं, पहले तो बोला धीरे धीरे दौड़ते रहना चाहिए धीरे 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 धीरे, और फिर जब 1 किलोमीटर बच जाए या 500 मीटर बच जाए तो उनको जी जान से दौड़ना है, बोला यही सिखाते ना जितने भी दौड़ की ट्रेनिंग करवाते हैं, इसी टाइप से आपको यहाँ पे करना है, 100% आपको सफलता मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। चलो अपनी बातें हो गई खूब, और अपन वापस से इस पे आते हैं, जिन जिन्हें नहीं लिखा वो लिख लो और फिर इसको याद करते हैं आज, इसी को 4 अक्षरों से बनने वाले शब्द 2 अक्षरों से सीख लिया अपने, 3 अक्षरों से अभी सीखते हैं, और फटाफट लिख लो, लिख के डाल दो और मैं अभी चेक कर देता हूँ कॉपियां फटाफट, और कल से आपको 2 कॉपी लानी है इस टाइप की, ये एक आ गई ना आज, आज वाला होमवर्क ये कॉपी मेरे पास हो जाएगी, सब अपने अपना नाम लिख लेना, ऐसा नहीं मैं बोलता रहूं चिल्लाता रहूं अरे किसकी है भाई ये, अरे किसकी, ऐसा नहीं, सभी लोग 2-2 कॉपी बना लेना, नाम लिख लेना 1-2 जगह फ्रंट पे बैक में और बीच में 1-2 जगह और लिख देना, चलो उतारो फटाफट और फिर कॉपी चेक करो फटाफट।